जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कार्तिक महात्म में 16वां अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप सबके आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो नारद जी ने राजा पृथु को कथा सुनाते हुए कहते हैं, जब जलंधर ने राहु से समाचार सुना तो वह क्रोध से पागल हो गया और करोड़ों राक्षसों के साथ कैलाश के लिए चल पड़ा। उसके साथ शुक्र और राहु भी चल पड़े। उसका मुकुट भूमि पर गिर पड़ा। वेग के कारण वह स्वयं भी गिर गया। राक्षसों की सेना में सैकड़ों विमान थे। यह सब देखकर इंद्रादि देवता छिप छिप कर शिव जी के पास गए और प्रार्थना पूर्वक निवेदन करने लगे, हे प्रभु, हम बड़ी आपत्ति में फंसे हैं, कृपा करें समुद्र के पुत्र जलंधर से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर शिवजी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और अपना वैकुंठ धाम छोड़कर उसके घर में रहने कैसे चले गए? विष्णु भगवान ने नर्मदा पूर्वक उत्तर दिया, एक तो वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, दूसरे वे लक्ष्मी जी के भाई हैं, वे देवताओं से अजय हैं, इस कारण युद्ध में मैंने उसको नहीं मारा, आप ही उस दैत्य का वध कीजिए। तभी महादेव ने देखा कि कैलाश के समीप जलंधर अपनी सेना लेकर आ गया है। उस सेना में असंख्य दैत्य, करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिक थे। उस सेना को देखते ही देवता लोग जिस तरह आए थे उसी तरह छिपकर चले गए और शिवजी जी के गण शीघ्रता के साथ युद्ध के लिए रणभूमि में उतर पड़े। शिवजी जी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी, कार्तिकेय आदि युद्ध के लिए झूमते हुए कैलाश से शीघ्र ही उतर आए। तत्पश्चात कैलाश के पास वाली भूमि में शिवजी जी और असुरों में अस्त्र शस्त्र द्वारा भयंकर युद्ध हुआ। वीरों को उत्साहित करने वाले युद्ध भैरी, मृदंग, शंख, घोड़े, हाथी, रथ आदि के शब्द होने लगे और पृथ्वी कांपने लगी। बाणों के समूह, पाश और पटिश आदि हथियारों ने आकाश को ढक लिया। मारे हुए हाथी, घोड़ों और रथों से भूमि ढक गई। महादेव के गणों ने जिन राक्षसों को युद्ध में मार दिया उन्हें शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित करने लगे। यह देखकर शिव के गण भयभीत और व्याकुल हो गए और उन्होंने देवाधिदेव से शुक्राचार्य का संपूर्ण वृतांत सुनाया। क्रोधावेश में रुद्र के मुंह से तान वृक्ष के समान जांघों और गुफा के समान मुंह वाली अति भयंकर कन्या प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े राक्षसों को खा लिया और शुक्राचार्य को अपने उदर में छिपा कर अंतर ध्यान हो गई। जब शिव गणों ने शुक्राचार्य को नहीं देखा तो वे युद्ध के नशे में झूमते हुए प्रसन्न होकर राक्षसों की सेना को मारने लगे। तब गणों से डरकर राक्षसों की सेना युद्ध भूमि से भाग गई। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी क्रोधित होकर युद्ध के लिए गए। असुरों के बाणों का समूह आकाश में चारों ओर छा गया। इससे गणों की सेना कांपने लगी। सेनापतियों के बाणों से उनके शरीर बिंध गए और उनसे रक्त की धारा बहने लगी। उस समय सभी गण संग्राम भूमि को छोड़कर छिन्न भिन्न होकर भाग निकले। यह देखकर कि हमारी सेना हार रही है, नंदी, कार्तिकेय एवं अन्य वीर क्रोधित हो बलपूर्वक उन महाबली दैत्यों को रोकने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की सदा ही जय हो। फिर कल मिलेंगे 17वें अध्याय के। कार्तिक महात्म की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री कृष्णा।